यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवरधनं दूरवारुकमे वन्दना यत्रनो ओम जय रघुनंदन हरि पटवंदन बालक चंदन आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, ओपटू ग्रुप के डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के अभियान में आज एक कड़ी और जुड़ गई है और रायबरेली जिले के बछरावा की ग्राम पंचायत रामपुर सुदौली में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का आज शुभारंभ हो गया। और खास बात यह है कि सीईओ और एमडी संजय कुमार लगातार हर ब्रांच में खुद पहुंचते हैं, पूरा निरीक्षण करते हैं और उसके बाद ही क्लिनिक का उद्घाटन होता है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक रिमोट एरियाज में किस तरीके से चिकित्सा सुविधाएं पहुंचा रहा है। इसके लिए आज हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे जो यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ ही सीईओ संजय कुमार जी से बातचीत करेंगे, जिन्होंने आज पूजन पाठन करने के बाद विधिवत डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के सातवीं कड़ी का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं कि इस सेंटर पर, इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और स्वास्थ्य का क्या लाभ मिलेगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है। मैंने डी फार्मा तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है। मैं यहाँ पे एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट के प्रोफाइल पे काम करूंगी। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक एक ऐसी सुविधा है जो गांव के लोगों को ऑनलाइन एज अ डिजिटल वे में उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको ECG की है, ब्लड टेस्ट मिलेगा, यूरिन टेस्ट है, कम से कम रेंज में आपको सारी सुविधाएं अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आज आपके गांव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हो गई जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या सुविधाएं? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना परिचय बताइए। रामचंद्र त्रिवेदी, सुदौली। ये जो खुला है सबसे अच्छा है। इलाज के लिए बाहर भागना पड़ता था, वो सुविधा यहाँ मिलेगी। सही है। रायबरेली जिले में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हो गई जी सर, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा? मैं राजीव त्रिवेदी, गाँव पोस्ट रामपुर सुदौली राजन। यहाँ पे जो है ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पे पहले सुविधाएं कम थी, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था लखनऊ रायबरेली। अब जो है हम लोगों को जांच वगैरह, जैसे खून की जांच है या और अन्य जो सुविधाएं है, कम रेट पे हम लोगों को यही भी गांव में उपलब्ध हो जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया कदम जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा देख के तो बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया। अब तो लगता है कि नहीं, अब हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी सुविधा हमको गाँव में ही सरकार दे रही है। ग्रुप द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई है और आज रायबरेली जनपद में सातवें क्लिनिक की शुरुआत हुई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते के साथ ये जो अभियान आप दो ग्रुप के द्वारा चल रहा है, सातवीं क्लिनिक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी बदलाव का काम करेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज जब स्वास्थ्य को लेकर के एक आम आदमी परेशान है और उसको सही स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, उसको जाना पड़ता है शहरों में, चक्कर काटने पड़ते हैं और महंगे इलाज से परेशान होना पड़ता है, ऐसे में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक जो गांव के हर छोर तक पहुंचने का काम कर रही है, आप दो ग्रुप के सहयोग से जगह जगह खुल रही है, वहां गांव का एक साधारण सा व्यक्ति ना केवल अपनी जांचें करा सकता है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए इस तरह के अभियान का संपूर्ण प्रदेश में स्वागत हो रहा है और उम्मीद है कि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हम अपना इस ग्राम पंचायत का पहला क्लिनिक है, जो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है वो पहला इस ग्राम पंचायत में हुआ है और इसी का इनॉग्रेशन हमने किया है और यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पूरी सुविधा देने के मकसद से यहाँ क्लिनिक को चालू किए हैं। किस तरह की सुविधाएं मिलेगी ग्राम? देखिए, ग्रामीणों को सुविधाएं, सारी ही सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, अगर मैं प्राइमरी हेल्थ की बात करूँ तो प्राइमरी हेल्थ से संबंधित, प्राइमरी हेल्थ का मतलब है कि अगर उनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है और लॉन्ग टर्म पे उनको एडमिशन नहीं लेना है तो वो यहाँ पे आकर के अपना पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट की फैसिलिटीज हैं, जितना भी ब्लड टेस्ट होता है फीवर प्रोफाइल का, उसके टेस्ट हैं यहाँ पे, आपके मेडिसिन अवेलेबल हैं और MBBS MD द्वारा कंसल्टेशन। ग्रामीणों को फायदे क्या होंगे?
ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो उनको अच्छे डॉक्टर से सिटी में जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब उनके अपने ही गांव में MBBS MD द्वारा इलाज मिलेगा, पहला फायदा। सर मरीजों को क्या चार्जेस लगेंगे? हाँ तो मैं बताता हूँ, दूसरा फायदा ये है कि जो मेडिसिन है यहाँ पे वो मेडिसिन 50% के डिस्काउंट पे है। तीसरा फायदा यह है कि जो ब्लड टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट 20 रुपए से 40 रुपए में फीवर प्रोफाइल के ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है तो इसमें 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, तो समय भी बच जाता है और यहाँ पे एक अमाउंट भी बच जाता है उन लोगों। सर जैसा आपने बताया कि MBBS और MD डॉक्टर की का परामर्श मिल जाएगा, तो वो कैसे क्या डॉक्टर्स यहाँ आएंगे, किस तरीके से उनकी सेवा का लाभ? देखिए यहाँ पे हमारे एक अटेंडेंट होंगे, स्टाफ होंगे, और वो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं उनका काम है कि उस डिवाइस को जो भी पेशेंट आ रहा है उनकी बॉडी पे अप्लाई करेंगे और पेशेंट की केयर करेंगे और उनको MBBS MD से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से इलाज कराएंगे। यहाँ पे हमारा ये एक सिस्टम है कि इंटरनेट के थ्रू जो टेली कंसल्टेशन प्रिंसिपल है उस पे काम करके हम MBBS MD से कंसल्ट कराएंगे। सर ये कौन सा क्लिनिक है उत्तर प्रदेश का? नहीं अभी तो हमारे क्लिनिक्स बहुत ज्यादा खुल गए, लेकिन अभी हमने लाइव जो किए हैं वो ये 7वां क्लिनिक है जो हमने लाइव किया है, और बाकी हमारे प्रोसेसिंग में अभी 53 क्लिनिक्स हैं, और आगे का प्लान भी हमारा काफी ज्यादा है। आगे का प्लान हमारा ये है कि हम ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको सरकारी सुविधाओं का फायदा हो सके, जैसे आयुष्मान कार्ड का फायदा हो सके, या फिर अगर यहाँ ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम नहीं हो पा रहा है, उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे एडमिशन दे सके उनको और वहाँ पे एक रीजनेबल ट्रीटमेंट में उनको ठीक कर सके। रायबरेली में कितने खुलेंगे? रायबरेली में ये 900 खुलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए? पूरे उत्तर प्रदेश में ये 50,000 से ज्यादा का प्रावधान है, और अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट लूँ तो ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा है, और अभी ओपडू के पास इसमें से 3,350 करोड़ का MOU है गवर्नमेंट के साथ, जिसको हम लगातार आगे मूव कर रहे हैं, और इसी MOU में हमने ये हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट डाला। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंच रहा है और उन ग्रामीण इलाकों में वास्तव में स्वास्थ्य की इन सेवाओं की, बल्कि यूं कहें कि सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक सुविधाओं की अति आवश्यकता है। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक लगातार अपने कदम इस तरीके से बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।